नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लो सवसाहूनं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु इन पंच परमेश्वरियों को नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी माता सरस्वती को भावपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अमृत महोत्सव के केंद्र बिंदु परिपक्व प्रौढ़ आचार्य हीरक जयंती के स्थानभूत कुंदु सागर महाराज श्री को नमोस्तु। भारत के सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों को नमोस्तु। सभी आरिका माताजियों को वंदामि। एलक्ष लक्षलिका माताजियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। मंगलाचरण में जिन शासन एक शब्द आया था और अभी अपन पिछले कुछ दिनों से जिन शासन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके उसका विवेचन कर रहे हैं। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादा मुघलांचनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। अब चूंकि जिन शासन जिन वाणी का वाचक है अर्थात जिनेंद्र भगवान के उपदेश का वाचक है, इसलिए उस उपदेश के अंतर्गत धर्म दर्शन न्याय सिद्धांत अध्यात्म सब समाविष्ट हो जाते हैं। और वो जो भगवान का उपदेश है वो त्रैलोक्य नाथस्य शासनम। भगवान चूंकि त्रिलोकी नाथ है तीन जगत के स्वामी हैं, वो उनका शासन अर्थात उपदेश है। और कैसा है वो उपदेश? श्रीमत् वैभव संपन्न है। भगवान की इस धर्म शासन प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए भी देवगति के शासन रक्षक देव निर्धारित हैं। भगवान के इस शासन का जो वैभव है वो वैभव ऐसा है कि इस शासन को अपनाने वाले स्वयं आत्म वैभव को प्राप्त करके प्रकृष्ट पुण्य से प्राप्त होने वाली अभ्युदय रूप विभूतियों को भी प्राप्त हुए। वो उसका सीधा सीधा फल नहीं था, धर्म की आराधना का फल आत्म वैभव है। लेकिन धर्म की आराधना निर्विकल्प भी होती है सविकल्प भी होती है। जब तक सविकल्प है तब तक कर्मों का आश्रय होता है और वो कर्मों का जो आश्रय है वह पुण्य रूप होता है, सातिशय पुण्य का कारण होता है। तब उस प्रकृष्ट पुण्य के उदय से संसार के श्रेष्ठतम वैभव को वो प्राप्त कर लेते हैं। पर उस वैभव को उस चक्रवर्ती के शासन आदि को जिन शासन नहीं कहा, वो पुण्य का फल कहा गया है। अष्टपौड़ में एक गाथा आती है, चक्कहर राय लक्खी चक्कहर राय लच्छी। चक्रवर्ती राजा की जो लक्ष्मी है
और अन्य भी सब कुछ है वो पुण्य का फल है, और वैसा पुण्य सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है, सबको नहीं होता। तो वह वैभव संपन्न है, और परम गंभीर जो स्याद्वाद है वह उसका अमोघ लांछन है। अमोघ का अर्थ होता है सार्थक, सफल, जो कभी निष्फल न जाए उसको अमोघ कहते हैं। जो शक्ति लक्ष्मण को लगी थी उसका नाम अमोघ विजया था। तो ये अमोघ लांछन अर्थात चिन्ह, जिन शासन का अमोघ चिन्ह, कभी निष्फल न होने वाला चिन्ह क्या है? अत्यंत गंभीर स्याद्वाद है। स्याद्वाद किसे कहते हैं? शब्द सुनकर कई लोग तो घबरा जाते हैं, कुछ लोगों का दिमाग चकराने लग जाता है कि स्याद्वाद सुन, स्याद्वाद से हमें डर लगता है। पर बड़ा सुंदर है वह, अत्यंत गंभीर है। स्यात का अर्थ यहाँ पर स्याद्वाद में जो स्यात शब्द आया है वह असुभुवि धातु का सप्तमी अर्थात विधि लिंग का प्रथमा संबंधी एक वचन नहीं है, अन्य पुरुष का एक वचन नहीं है, अर्थात ये क्रियापद नहीं है। स्यात्वाद में, स्याद्वाद में जो स्यात है वह क्रियापद नहीं है। क्रियापद जो होता है, एक स्यात शब्द आता है ना दर्शन पाठ में, उसके पहले वाले लाइन क्या है? हाँ, उसके अंत अंत में एक श्लोक आता है, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। वो स्यात् जो पद है, वो स्यात् पद विधिलिंग का पद है, उसको क्रियापद कहते हैं व्याकरण में। लेकिन यहाँ पर जो स्याद्वाद में स्यात् पद है वो विधिलिंग रूप नहीं होकर वो एक निपात शब्द है, और निपात शब्द होने के कारण उसका अर्थ वो नहीं है जो विधिलिंग में अर्थ निकाला जाता है। उसका अर्थ होता है स्यात् यानी कथनचित किसी दृष्टि से। एक किस्सा आता है श्वेतांबर परंपरा में कि एक बार वर्धमान राजकुमार अपने महल के तृतीय खंड पर बैठे हुए थे। मित्रों ने आकर नीचे उद्यान में बैठी हुई माता त्रिशला से पूछा कि रानी माँ वर्धमान कहाँ है? माता ने ऐसा एक तर्जनी के संकेत से ऐसे कह दिया कि ऊपर है। तो ऊपर चले जाते वो सारे जो कुमार थे, और ऊपर जाकर के छत पर पहुंच जाते हैं, और छत पर राजा सिद्धार्थ बैठे हुए थे। तो उनसे पूछते हैं कि वर्धमान कहाँ है, अभिवादन करके ही पूछते हैं वर्धमान कहाँ है, राजकुमार कहाँ है। वो ऐसे संकेत कर देते हैं। तो दो चार बार ऊपर नीचे होने के बाद वो तीसरे खंड में मिल जाते हैं। तो वो आकर हाँफते हुए उनसे मिलते हैं। राजकुमार पूछते हैं कि क्या बात होगी, ये सांस क्यों फूल रही है? उत्तर देते हैं कि आपके माता पिता ने आज हमें व्यायाम करवा दिया। माँ ऐसे कहती है, पिता ऐसे कहते हैं। तब वर्धमान एक शब्द बोलते हैं स्यात्। अब ये जो निपात स्यात् शब्द है जिसका अर्थ होता है कि दोनों सही हैं, दृष्टि की बात है। माँ की दृष्टि से मैं यहाँ हूँ, पिता की दृष्टि से मैं यहाँ हूँ। तो स्यात् शब्द का अर्थ होता है किसी अपेक्षा, फ्रॉम दिस एंगल अंग्रेजी में बोलते हैं,
फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट, ये भी शब्द बोला जाता है अंग्रेजी में, और ऐसे जो हिंदुस्तानी भाषा उसमें बोलते हैं कि इस नजरिए से, नजरिए से, और हिंदी में इस दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से। तो अपन नित्य भी है और अनित्य भी है। तो द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। बस इतनी सी तो बात है, साधुवाद में इतना ही तो है कि कोई बात कही जा रही है, किसी का दिमाग चकरा रहा है तो उसको दृष्टि बता दी कि इस दृष्टि से कही जा रही है। आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्प्रवृत्ति में लिखा है कि एक ही व्यक्ति पुत्र है, पिता है, चाचा है, मामा है और अनेक रूप है। तो इसका अर्थ ये हुआ, ये एक उदाहरण था, उदाहरण से ये बात प्रमाणित हुई कि जैसे वह व्यक्ति एक होकर भी अनेक रूप है, वैसे ही प्रत्येक वस्तु एक होकर भी अनेकांत रूप है। और अनेकांत का अर्थ होता है अंत यानी धर्म, गुणधर्म, अनेक गुणधर्म वाले। लेकिन वो गुणधर्म कैसे हो? परस्पर विरोधी। जैसे नित्य और अनित्य का अपन ने उदाहरण लिया, ये दोनों विरुद्ध है। जो नित्य है वो अनित्य नहीं हो सकता, जो अनित्य है वो नित्य नहीं हो सकता। लेकिन एक ही वस्तु नित्य और अनित्य कैसे है, इसको समझाने की वचन प्रणाली का नाम साधुवाद है। एकदम सरल नहीं है विषय। तो वाद का अर्थ वचन प्रणाली होता है, और स्यात्वाद का, स्यात्वाद वो त की संधि हो जाने से वो तृतीय वर्ग की तृतीय को प्राप्त हो गया, वो त का द बन गया, त थ द, तो स्यात्वाद हो गया, स्यात्वाद। संधि के नियम, व्यंजन संधि में ऐसा नहीं होता है। वहां घोष था व्य, वह, तो घोष के आने पर वो तृतीय को प्राप्त हो गया। तो इस स्यात्वाद इतनी अद्भुत पद्धति है कि इससे सारे विवाद शांत हो जाते हैं। स्यात्वाद निर्विवाद होता है, और हठवाद विवाद का कारण होता है। तो ये जिन शासन जो है उसका चिन्ह स्यात्वाद है, तो जिन शासन में कभी विवाद हो ही नहीं सकता। और जो लोग जिन शासन के नाम पर विवाद कर रहे हैं वो जिन शासन से अपरिचित है, इसलिए विवाद है। तो अब अपन ये जो पांच उसके घटक हो रहे हैं जिन शासन के, जिनोपदेश के, जिन वाणी के, दर्शन, धर्म, न्याय, सिद्धांत और अंत में अध्यात्म, अधि आत्मनि अध्यात्म, में परसों बताया था कि जो पर्टेनिंग टू द सोल यानी आत्मा से संबंध रखने वाला जो विषय होता है उसको अध्यात्म कहते हैं। उसमें आत्मा परमात्मा ही प्रधान होता है अध्यात्म में। और सिद्धांत में क्या होता है? सिद्धांत में यूनिवर्सल लॉज होते हैं, यानी सार्वभौमिक नियम होते हैं। वो ऐसे नियम होते हैं कि जो सिद्धांत कभी बदल नहीं सकता। सिद्धांत त्रैकालिक होता है, यानी आप किसी भी काल में चले जाओगे तो वो कर्म बंद और उसकी प्रक्रिया, उसके पंच आश्रव, पंच वो संवर आश्रव के 57 भेद, संवर के 57 भेद, ये सब पूरे ढाई द्वीप में, पूरे लोक में, सर्वत्र सब जगह एक जैसे रहेंगे। ये सिद्धांत है, मतलब सिद्ध हो चुका है अंत जिसका, सिद्ध अंत येषां यस्य सः सिद्धांतः, जिसका अंत बिल्कुल हमेशा के लिए सिद्ध। कई नियम देखो, आचार विचार के नियम बदल सकते हैं काल के अनुसार। जैसे अब क्या है कि वेशभूषा बदल जाती है तो फिर और भी बहुत सारी चीजें बदल जाती है, संस्कृतियां बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, अभिवादन के तरीके बदल जाते हैं, और फिर भोजन की शैलियां बदल जाती है, बहुत कुछ बदल जाता है। सिद्धांत नहीं बदलता, सिद्धांत वही रहता है। तो आचार विचार में कुछ नियमों में परिवर्तन होते हैं कभी कभी, लेकिन उसमें भी जो मूल तत्व है
उसका कभी उल्लंघन नहीं होता। जैसे पूज्य कभी अपूज्य नहीं होता, अपूज्य कभी पूज्य नहीं होता। अगर पूज्यत्व की मर्यादा में वो रहता है तो पूज्यत्व की मर्यादा में जो है वो पूज्य ही रहेगा, और पूज्यत्व की मर्यादा के जो बाहर है वो अपूज्य ही रहेगा। फिर मर्यादा परिवर्तित करने पर उसमें भेद पड़ता है। ऐसी अनेक बातें हैं। मुनिराज के लिए अपन माला फेरते समय नमो लोए सब सावण बोलते हैं, बड़े बड़े आचार्य और गणधर भी नमो लोए सब सावण बोलते हैं। अपने से बहुत छोटे जो आज के दीक्षित मुनि हैं उनको भी वहाँ 1 कोटि पूर्व पुराने गणधर, जिनकी आयु बिल्कुल अभी मोक्ष के निकट आ गई, पूर्ण होने वाली है, वो गणधर भी नमो लोए सब सावण कहकर के नमस्कार करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ छोटे बड़े की बात ही नहीं है, यहाँ गुणों गुणों की आराधना होती है। जैन शासन या जिन शासन व्यक्तिवादी हो ही नहीं सकता, और जो व्यक्तिवादी शासन है वो जिन शासन हो ही नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, गणधर जो समावसरण के आचार्य होते हैं उनको गणधर कहते हैं, और वो आज के दीक्षित भरत क्षेत्र के सर्वजगन्य संयम लब्धि स्थान को प्राप्त होने वाले छठे गुण स्थान वाले मुनिराज को भी नमो लोए सब सावण कहकर नमस्कार करते हैं। भावलिंगी मुनि हो, कितनी बड़ी बात है। तो ये जिन शासन, इसके विषय में एक गाथा अपन मूलाचार की देख लेते हैं आज। जब मालीना जीवा तरंति संसार सायर मणंतम तम सव जीव शरणम नंदौ जिन शासनम सुईरम। ये मंद बुद्धियों का भी उपकार करता है जिन शासन, और सूक्ष्म बुद्धियों का भी उपकार करता है, तीक्ष्ण बुद्धियों का भी उपकार करता है। सबका कल्याण करने वाला ये जिन शासन है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि वो स्वामी कर्मानंद जी 7 दिनों तक जैनों से शास्त्रार्थ करते रहे, बड़े बड़े विद्वान लोग दांतों तली उंगली दबा गए कि इन पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है, पर उन पर विजय प्राप्त हो चुकी थी। जिन शासन ने उनका हृदय जीत लिया था। ऐसे कई कई उदाहरण हैं। कुछ जैन परिवार में जन्मे लोग भी जिन शासन से प्रभावित नहीं थे, और जब प्रभावित हुए तो दुनिया को उन्होंने जिन शासन से प्रभावित कर दिया। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जो हमारे धर्म गुरु जिनेंद्र वर्णी जी, कॉलेज के विद्यार्थी, सिविल इंजीनियरिंग करते थे, उनकी बहन आती थी बताती थी कि वो बिनौले के तेल से साबुन बनाने की एक प्रक्रिया करके साबुन बनाते थे। खैर इसका इंजीनियरिंग से संबंध भले ना हो, लेकिन ऐसे उनकी बुद्धि बड़ी वैज्ञानिक थी जिनेंद्र वर्णी जी की। तो कॉलेज के विद्यार्थी थे, और फिर वो 10 दिन तो जाना ही पड़ता है ना सबको मंदिर, भले साल भर ना जाए। तो अब 10 दिन मंदिर जाने की बारी थी तो चले गए, और जब चले गए तो वहाँ पर एक वचनिका हो रही थी, कोई एक सभा लगी हुई थी, कोई शास्त्र का पठन हो रहा था और कुछ विवेचन व्याख्यान भी हो रहे थे वहाँ पर, और कोई विद्वान वहाँ पर बैठे हुए थे। जिनेंद्र वर्णी जी देवदर्शन आदि करके लौटने लगे तो फिर कुछ उनके कानों में शब्द पड़े, और उनको लगा कि ये स्वर तो पहचाना हुआ लग रहा है, पता नहीं कौन बोल रहा है, लेकिन चलो सुन लेते हैं थोड़ा सा। सुनने लग गए तो कोई ऐसा विषय था उस समय, ये स्वयं जिनेंद्र वर्णी जी ने भोपाल में सन 1981 में ये घटना सुनाई थी कि मैं जैन कैसे बना, पैदाइशी तो जैन था ही, लेकिन हृदय से मैं जैन कब बना, कैसे बना। सुनते सुनते वो मंत्र मुग्ध हो गए, और वो जो वहां पर प्रवक्ता थे वो भी इतने कुशल थे बोलने में, वो कोई वकील थे, तो वकील लोग बोलने में बहुत
निष्णात होते हैं उनको अधिवक्ता कहा जाता है। अधि यानी दोनों तरफ से बोलने वाले, अधिक अभिकार दोनों तरफ से होता है। अधिवक्ता तो ठीक है, अधिकृत्य वक्ता इति अधिवक्ता, माने अधिकार पूर्वक बोलने वाले होते हैं वो। तो ये सुनते गए सुनते गए और फिर उसमें लीन हो गए। और जब वो व्याख्यान पूर्ण हुआ तब इनको होश आया। तो होश आने पर वे बताते हैं कि इतनी बारिश गिरी थी वहां पर, मैं पूरा भीग गया था, पूरा तर बतर हो गया था पानी से, लेकिन मैं सुनने में इतना लीन था कि मुझे मतलब इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था मेरा। और फिर मैंने देखा कि ये जो वक्ता थे वो स्वयं मेरे पिता थे, जय भगवान जैन पानीपत वाले। और मैं तो अचंभित हो गया, मैं तो धर्म को फोकट की वस्तु समझ रहा था। ये शब्द उन्होंने बोला, मैं फोकट की वस्तु समझता था। जिनको फुर्सत होती है वही धर्म में लगे रहते हैं, और जिनको फुर्सत नहीं होती, जो व्यस्त रहते हैं, कर्मठ होते हैं, वो काम करते हैं, दुनिया के लिए भलाई करते हैं, कुछ मानवता के लिए या फिर कोई भी पुरुषार्थ करते हैं, वो खाली नहीं बैठते और बैठे बैठे ये किताबें नहीं सुनते। लेकिन उसके बाद उनके शब्द हम पढ़ के सुनाए आपको, तो क्या शब्द लिखे उन्होंने। उन्होंने ये लिखा है कि वैसे अपन धर्म पर कोई भी चर्चा करने बैठ जाए तो हर कोई दो शब्द तो बोली जाता है धर्म के ऊपर, भले उसने कभी धर्म को छुआ भी ना हो, पर दो शब्द बोलने के लिए हर किसी के पास है धर्म के बारे में। तो क्या वास्तविकता क्या है? तब उन्होंने लिखा है कि यह धर्म अत्यंत रहस्यपूर्ण है। बड़े बड़े शास्त्रों के पाठी, 11-11 अंग के धारी भी इस धर्म के मर्म को नहीं छू पाते। क्या अद्भुत बात है, सम्यक तो नहीं हुआ है, 11 अंग के पाठी हो गए हैं लेकिन धर्म के मर्म का स्पर्श नहीं हुआ है। अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत महिमावंत है ये। और यदि एक बार ये रहस्य अपने हृदय में समा जाए तो इस अपार संसार सागर को पार करने में अधिक विलंब नहीं होगा। अद्भुत बात है। अब वो तो बिल्कुल बदल गए, और बदल कर ऐसे बदले कि उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भी ली, उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा, उन्होंने शांतिपथ दर्शन शांतिपथ प्रदर्शन भी लिखे, उन्होंने पदार्थ विज्ञान कर्म रहस्य कर्म सिद्धांत भी लिखा, सर्व धर्म सार भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रभु वाणी भी लिखी, समण सुत्तम भी उन्होंने तैयार किया, बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने। और जब वाचनाएं होती थी तब पंडित कैलाशचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, पंडित दरबारी लाल कोटिया, पंडित बालचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित हीरालाल जी, सब एकत्रित होते थे वाचनाओं में। 9 वाचनाएं हुई आचार्य विद्यासागर महाराज के सानिध्य में। सन 80 से लेकर सन 89 तक केवल 83 का सन छूट गया था, और संयोग ऐसा था कि 83 के सन में वाचना इसलिए नहीं हुई क्योंकि स्वयं साक्षात जिनेन्द्र वर्णी जी की संलेखना हुई उस ग्रीष्मकाल में। 12 अप्रैल को संलेखना प्रारंभ हुई और 24 मई को संलेखना समाप्त हुई। सुनते हैं कि जब तक संलेखना चली तब तक प्रतिदिन सायंकाल वहाँ ईसरी की गर्मी में वर्षा होती, और जब 25 मई की तारीख आई वर्षा बंद, वो चले गए बादल भी चले गए, जो ठंडक पहुँचाने वाले बादल थे वो भी चले गए।
जो तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करने वाले मेघ थे वो भी चले गए। तो ऐसे बड़े महान मनीषी, मनीषी का अर्थ विद्वान होता है, हुए हैं। इसी प्रकार एक और मनीषी हैं जिनका स्मरण अवश्य करणीय है, वो भी जैन शासन से ऐसे जुड़े कि कईयों को जोड़ दिया उन्होंने। आज तक लोग उनके द्वारा उपकृत हो रहे हैं। मोरेना के एक वैसे ही विद्यार्थी थे जैसे जिनेंद्र जी पानीपत के, और वही स्थिति, वो भी मंदिर आए और उनको वो साइंस के स्टूडेंट और गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी थे, कोई उनका इसमें धर्म कर्म में और क्रियाकांड में कोई विशेष लगाव नहीं था उनको। तो बताते हैं कि वो जब वहाँ से मंदिर से लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ बूढ़े पुराने लोग बैठ करके गोमट सार पढ़ रहे हैं। तो अब एकदम एक वितृष्णा हो जाती है नवयुवकों को ऐसे लोगों के प्रति। कई बार तो उसका कारण ऐसा होता है कि मंदिर में बड़े धर्मात्मा होते हैं और बाहर बड़े अलग प्रकार के लोग होते हैं कई लोग, तो इस कारण भी युवा पीढ़ी के अंदर एक वितृष्णा आ जाती है धर्म के प्रति। पर वास्तव में धर्म वैसा नहीं है, वह उनकी बुद्धि का दोष है, धर्म का दोष नहीं है। अब क्या हुआ कि वो जब ऐसे देखा, उनने सोचा कि पुराने जमाने की किताबें, आज क्या कितना एडवांस हो गया है विज्ञान गणित और सब कितना उन्नत हो चुका है, और ये वो पुराने जमाने के उसमें पड़े हुए हैं, ये लोग बैठे बैठे घंटा भर खराब करेंगे यहाँ पर। लेकिन अचानक एक आवाज़ उनके कान में आई कि काश कोई गणित का विद्यार्थी होता तो फिर ये समस्या सुलझ जाती। तो फिर उनका नाम था गोपाल दास बरैया। उनको लगा कि ये क्या बोला इन्होंने, काका जी ने ऐसा कैसे बोला कि काश कोई गणित का विद्यार्थी होता। तो वहां पास गए, जय जिनेन्द्र काका जी आप क्या कह रहे थे, गणित का विद्यार्थी? मैं गणित का विद्यार्थी हूं, आप लोग गणित पढ़ रहे हो क्या? तो बोले कि बेटा तुम लौकिक गणित पढ़ते हो, ये अलौकिक गणित है। फिर भी चूंकि तुम्हें अभ्यास है इसलिए हमने सोचा कि कोई गणित का विद्यार्थी मिल जाता तो अभी जो हम लोग गणित करना चाह रहे हैं उसमें उसकी बुद्धि भी कुछ काम कर जाती। तो उनको लगा कि अब मैं तो बहुत फ्लुएंट हूँ मैथ्स में और गणित एरिथमेटिक सब में, चलो अभी 2 मिनट में कर देते हैं इनका काम। तो जब वो 2 मिनट में करने बैठे वहाँ पर तो कर नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा कि काका जी मैं घर जाकर के करूं क्या ये काम, ये मुझे इसको जल्दी से सुलझाने में देर लग रही है, मतलब मैं जल्दी से नहीं कर पा रहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो काका ने बोला अवश्य बेटा तुम इसको विनय से ले जाना, बस हम इतना ही कहेंगे कि विनय से ले जाना। तो विनय से ले गए और घर जाकर के गोमट सार का जो गणित है बड़ा अद्भुत गणित है, पंडित टोडरमल जी ने भी कई स्थानों पर ढूंढारी अनुवाद में लिखा है कि याको अर्थ मोकू भाषे नाही है ताते को विद्वान मिले तो समाधान कर लेना, ऐसा कुछ लिखा उन्होंने अपनी ढूंढारी में। तो कितना देखो उनने भी विनय रखी है ग्रंथ के प्रति, नहीं आता तो जबरदस्ती नहीं बैठे समाधान करने के लिए, नहीं आता तो नहीं आता बोल दो, क्या अपनी क्या इज्जत खराब हो जाएगी। वो सच्चे विद्वान का ये लक्षण है कि यदि उसको नहीं आता है तो वो सत्य निष्ठा से स्वीकार कर लेगा कि नहीं आता, वो मायाचारी नहीं कर सकता। और खास तौर से विशेष रूप से जैन आगम में तो मायाचारी चल ही नहीं सकती। वो रात भर बहुत देर तक बैठे, उनने गणित तो किया और उसमें से कई सूत्र भी उनने समझे कि इसमें कुछ सूत्र जो है थोड़े अलग है ये मॉडर्न मैथ्स में और ये शास्त्रीय गणित में, कुछ सूत्रों में अंतर है।
ये त्रैराशि का अधिक बहुत सारी चीजें जो आती है इसमें, ये थोड़ी अलग आती है, इसमें गणना की पद्धति भी थोड़ी अलग है। पर फिर उनने कुशाग्र बुद्धि थे तो कर तो लिया उन्होंने। लेकिन इस घटना ने उनको अंदर तक के हिला के रख दिया। उन्होंने विचार किया कि संसार में कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन गणित कभी गलत नहीं हो सकता। गणित में हमेशा 2 और 2 4 ही होता है, वो 4.00001 भी नहीं होता, 2 + 2 = 4 यानी 4 ही होता है। तो इतना अद्भुत गणित जैन शास्त्रों में भरा पड़ा है, और मैं क्या समझ रहा था। उनको पश्चाताप होता है कि मैंने बड़ी भूल कर दी, मैंने बिना समझे दूर से जो आकलन किया था वो मिथ्या प्रमाणित हुआ, वो गलत निकला। अब मैं इन शास्त्रों का अध्ययन करूंगा। और फिर उन्होंने जो अध्ययन किया है, उनके पास भारत के बड़े से बड़े विद्वान पढ़ने जाते थे, एक से बढ़कर एक विद्वानों ने उनके पास अध्ययन किया। स्वयं गणेश प्रसाद वर्णी जी ने उनके पास अध्ययन किया है। और एक बार कोलकाता में एक सर्वधर्म सम्मेलन था, उसमें इनको आमंत्रित किया गया था और इनको बोलने का क्रम अंत में दिया गया। जिनको जो बोलना था बोल गया, पर वो सभापति ने पहले ही एक निवेदन किया था कि यहाँ उपस्थित समूचे विद्वत वर्ग से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कोई भी किसी अन्य संप्रदाय पर कटाक्ष नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कर दिया कटाक्ष। गोपाल दास बरैया जी शांत बैठे रहे, लेकिन अंत में जब उनको बोलने मिला तब वो बोलते गए, क्रम से बोलते गए, एक-एक बात उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत की। और जब एक विषय पूर्ण होता तो फिर वो पूछते थे कि यहां तक जो कुछ हमने कहा है वह आप सबको मान्य है, यदि मान्य है तो मैं आगे बढ़ूं। तब तो वो सारे विद्वान एक दूसरे को बोलते हैं, ऐसे देखते थे और फिर ऐसे करते थे। तो वो संकेत था कि ठीक है, बढ़िया, आगे यहां तक तो ठीक है। और ऐसा करते करते अंत में गोपालदास बरैया जी ने जब अपनी बात पूरी कर ली, तब भी वो विद्वान बोलते हैं कि यहां तक सब ठीक है। तो पंडित जी ने बोला, बस यहीं तक था, मुझे जो कहना था बस यहीं तक था। और फिर क्या तालियां बजी है। और सभापति ने कहा कि मैंने आज तक जीवन में अनेक सभाओं का संचालन किया, लेकिन आज मुझे पहली बार एक ऐसा विद्वान मिला है जिसने अपनी बात रखी अवश्य, लेकिन अपनी एक-एक बात पर विपक्ष से हां भर वाली समर्थन प्राप्त कर लिया। तब गोपालदास बरिया जी कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो स्याद्वाद की कृपा है जी। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादा मोघलांचनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। उस जिन शासन की जय हो जो सारे विवादों को मिटा देता है, क्योंकि जिन शासन में आने वाला स्याद्वाद के माध्यम से हठवाद से मुक्त हो जाता है। तो इसके आलंबन से ये जीव तर कैसे जाते हैं संसार सागर से। गोपालदास बरिया जी का जब अंतिम समय था, तब उन्होंने विद्यार्थी से कहा
कि नीचे चटाई बिछा दूं। उन्होंने बोला, गुरु जी क्यों? मैं बिछा रहा हूं गुरुजी, एक अनुशासन भी था ना, तो ऐसे क्यों सरलता से नहीं पूछ सकते थे? कोई भी आदेश यानी आदेश होता है, उसमें क्यों नहीं होता? चटाई बिछा दी और फिर पूछा कि गुरुजी क्यों? बोले कि शांति रखो। फिर चटाई पर नीचे आया और नीचे आने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा काल पूर्ण हो रहा है, इसलिए मैं विधिवत प्रस्थान करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने वस्त्र आदि जो भी था सब त्याग कर दिया और ऐसे बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए चले गए। कहते हैं कि जैन धर्म किसका है? जो अपना ले उसका है। ज्ञान मार्ग और कषाय मार्ग दोनों विपरीत हैं। जहां कषाय होती है वहां ज्ञान नहीं होता, जहां ज्ञान होता है वहां कषाय नहीं होती। तो जो दो मार्ग जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं, अभी जो दिन अपने पास अवशिष्ट है उसमें अपन उन दो मार्गों पर चर्चा करते हैं। एक तो श्रावकों का मार्ग है और एक श्रमणों का मार्ग है। जैनम जयतु शासनम।